भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत 4 मार्च 1961 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। INS विक्रांत ने 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी नौसेना की नाक में दम कर दिया था। 1965 के युद्ध में तो पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने INS विक्रांत को डुबो दिया है, जबकि INS विक्रांत को कुछ तकनीकी परिवर्तन के लिए मुंबई नौसेना के शिपयार्ड में खड़ा किया गया था। भारत ने इसे ब्रिटेन से खरीदा था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की रॉयल नेवी के लिए इसे तैयार किया गया था। ब्रिटेन ने इसे HMS हरक्यूलिस नाम दिया था। इसी बीच विश्व युद्ध खत्म हो गया। इसके 12 साल बाद यानी 1957 में इसे भारतीय नेवी को बेच दिया गया। 31 जनवरी 1997 को विक्रांत को रिटायर कर दिया गया। 1971 के युद्ध में विक्रांत से जुड़े अधिकारियों को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र प्रदान किए गए।